झांसी से खबर है, बताते चले गए, ऑल इंडिया मजलिस एतिहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली के आह्वान पर महानगर अध्यक्ष बबलू आज़ाद उर्फ नवी बख्श के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में तहसीलदार को 3 सूत्री महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि देश के जाने माने AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर हुए हमले की निंदा करते हैं तथा देश के कई प्रांत में हो रहे विशेष समुदाय के लोगों पर अत्याचारों का विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं के महामहिम राष्ट्रपति महोदया विषय पर ध्यान देते हुए उचित कदम उठाएंगी। राजस्थान हरियाणा में नासिर जुनैद हत्याकांड की CBI जांच कराते हुए हत्यारोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। रोल, क्या नाम है आपका? नवी बख्श बबलू आज़ाद। किन मांगों को लेकर आपने क्या बना? आज हमने माननीय जिला अधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से 3 सूत्री ज्ञापन सौंपा है, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या हुई है उस पर जितने भी हत्यारोपी हैं, वो जितने भी दोषी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर NSA की कार्रवाई हुई जाए। दूसरी ये कि हमारे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो सांसद हैं उनको जो सरकारी आवास मिला हुआ उस पर पथराव हो रहा है सरकार में। ये सरकार सोई हुई है क्या? अगर यही क्या किसी BJP के सांसद के यहाँ हमला होता तो ये बर्दाश्त कर लेते? अब तक तो जो है ना सारे के सारे अरेस्ट हो चुके होते। तीसरा, जो सरकारी जो है ना परमिशन से बांदा की मस्जिद जो कार्यरत थी वहाँ काम हो रहा था, ज्वेलसी मस्जिद पड़ी थी उस पर रिपेयरिंग का काम चला था, वहाँ आके ये RRS बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने तोड़फोड़ की है, वहाँ का मटेरियल फेंका है, क्या ये जायज़ है क्या? क्या मैं या हमारे मुस्लिम भाई या एक समुदाय क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं क्या? अगर यही चलता रहा, क्या ये अगर इस सरकार में ये सारे सिस्टम बंद नहीं हुए तो आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध हो जाएंगे।